बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लाइव फीड के समय कृतिका मलिक, अरमान मलिक और रणवीर शौर्य एक दूसरे से बात करते रहते हैं, जहां कृतिका मलिक की स्टोरी बताते हुए दिखते हैं अरमान मलिक रणवीर शौर्य को कि कृतिका मलिक का एक स्कूल का लड़का था जो कि उनको मैसेज कर रहा था जब कृतिका मलिक की शादी हो गई थी अरमान मलिक से, पर उसको पता नहीं था कि उनकी शादी हो गई है। और कृतिका मलिक उस टाइम मेकअप आर्टिस्ट थी, जहाँ उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज किया था कि मेरा भी मेकअप कर दो कभी, अब तो मेकअप आर्टिस्ट बन गई हो, जहाँ उसी पर अरमान मलिक ने उसको रीड किया। तो कृतिका मलिक से उन्होंने वॉइस नोट भिजवाया कि उसको बोल कि अपनी मम्मी को भेजे मेरे पति के पास, ऐसा बोल दिया। जहां इसी के बाद वो जो लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा वॉइस नोट में गाली वगैरह देने लगा, जहां अरमान मलिक ने बताया कि वो उस टाइम पे थोड़ा गुंडे वगैरह में थे, तो वो जाके सीधा पहले तो पुलिस कंप्लेंट कराए, बाद में उसके पापा जो कि काफ़ी बड़े थे दिल्ली के, फाइनेंस कराते थे कार वगैरह का, उनका कॉल आया और सेटलमेंट की बात हुई। जहाँ उनके ऑफिस में गए थे तो उनको डराने की कोशिश की जा रही थी अरमान मलिक को, पर अरमान मलिक अकेले और कृतिका मलिक को ही लेके गए थे, जहाँ उस लड़के से पैर पे गिर के माफ़ी मंगवाई उन्होंने। जहाँ उसी के बाद कृतिका मलिक काफ़ी ज़्यादा हक करके उनको रोने लगी कि मेरा कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया था। तो आपके ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना।